राष्ट्रीय वुशु संघ द्वारा कोलकाता में करवाई गई राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता में कैथल की जीवन विजेता ने 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है। कैथल जिला वुशु संघ द्वारा खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक लीला राम गुज्जर थे। लीला राम गुज्जर ने प्रसन्नता जताई कि आज बेटे ही नहीं बेटियां भी खेलों में हरियाणा का नाम चमका रही हैं। जीवन विजेता ने 14 वर्ष की उम्र में जो उपलब्धि हासिल की है वह दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। जिला वुशु संघ के महासचिव दीपक लौट ने बताया कि 12 तरह के मुकाबले वुशु में करवाए जाते हैं और एक खिलाड़ी अधिकतम 3 मुकाबलों में हिस्सा ले सकता है। जीवन विजेता ने 3 ही स्पर्धाओं में मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। दीपक लौट ने बताया कि जीवन विजेता ने 9 साल की उम्र में वुशु खेलना शुरू कर दिया था। बता दे कि चैंपियनशिप में हरियाणा के कुल 42 खिलाड़ी हिस्सा लेने गए थे और ओवरऑल ट्रॉफी लेकर आए हैं। भाई दीपक जी का, उनकी धर्मपत्नी का, तो जहां बधाई देता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया। जैसे कि हमें यहां आने पर पता लगा, बल्कि भाई कैथल का नाम, हरियाणा का नाम, पहली बार हरियाणा के नाम गोल्ड मेडल ला करके हरियाणा का नाम चमकाने का काम किया, कैथल जैसे शहर का नाम चमकाने का काम किया। मैं बेटियों को जहाँ अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, वहाँ उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि बेटियाँ कल को कैथल में और बड़ी होकर के गोल्ड मेडल लेकर के आएंगी, कैथल का दोबारा से नाम चमकाने का काम करेंगी। और कैथल के बच्चों के लिए, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियों के लिए, प्रेरणा का स्रोत भी बेटियां बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा प्रदेश में और सरकार ने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी खेलों के बारे में बहुत बढ़ावा देने का काम किया है और खुले मन से बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए सरकारी कोष से भी उनकी मदद कर रही है सरकार। और दीपक जी, मैं तो आज कैथल से विधायक होने के नाते कहूँगा, सरकारी स्तर पर आप जब जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जो भी मेरे को जिम्मेवारी काम सौंपेंगे, मैं उसको भी पूरा करने का काम करूँगा। और आज के इस प्रोग्राम में इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये भी बच्चों को, उनका देना चाहूंगा। इस मौके पर लीला राम गुज्जर ने खानपुर में स्टेडियम के निर्माण को कांग्रेस सरकार का गलत निर्णय बताया। नगर परिषद में म्युनिसिपल इंजीनियर का खाली पद जल्दी भरने का भरोसा भी लीला राम गुज्जर ने दिया। जब ये बना था उसी टाइम का, सभी कैथल वासियों ने, एक मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा, कैथल के समस्त नागरिकों ने तब भी इसका विरोध ही किया था कि वो साइट, वो जगह ठीक नहीं है, शहर से 5-6 किलोमीटर दूर है। और हमें तब भी लगता था कि इसका कोई वहाँ बनाने का कोई औचित्य नहीं, और आज ये साबित भी हो गया कि वो उस समय चयन जो किया गया था वो गलत था, ठीक नहीं था। हम जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही कैथल में 1 नहीं 2-2 MLA लेकर के आएंगे और जो विकास कार्य MLA की वजह से रुके हुए हैं उनको जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जीवन विजेता का हौसला बढ़ाने के लिए 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।